जो भी हैं मुझे मत रोकें, मैं आज मर के रहूँगा। ये लड़कियां कुछ ज़्यादा ही उलझ रही हैं हमारी चीज़ों के साथ। यार तुम लोग रैगिंग करो या जो भी, इस तरह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यार तो उसके अटेंशन सीकिंग ड्रामे से इतना सेंटी क्यों हो रहा है? आई एम टेलिंग यू गाइस, बैड बैड प्लेस। आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। आइडिया क्या? व्हाट? क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ पर आज कोई सुसाइड का केस हुआ है? जी जी, इस मासूम बच्चे ने अपनी जान लेने की कोशिश किया। दिस इज जस्ट टू मच। तुम लोग अभी जाओगे बाहर और फिक्स करोगे इस सिचुएशन को। कैसे भी टॉक टू देम। आप लोगों ने उस मासूम बच्चे के साथ ऐसा क्या किया है जो इतना शदीद रिएक्शन आया है? क्या आप लोगों को अपने किए का कोई गिल्ट नहीं? सारा प्रेजेंट सर। गाजी। जोया। जोया। जरक। वकार। किधर है ये मुसीबत का टोला? मैं पूछ रहा हूँ कुछ। सर सुबह तो देखा था ने मैंने यूनिवर्सिटी में। पता नहीं अब क्या मसला क्रिएट करके बैठे हुए हैं। इनका कुछ करना पड़ेगा। की तो मैं रुक जा यार, ले जा। रुक जा यार, अभी फटेगा कोई फायदा नहीं। ठंडा हो जा। इस कुत्ते को जमीन में नंगा काटूंगा मैं। इजी हो जा। बोला था मैंने तुम लोगों को हीरो बनोगे, नहीं पता चलेगा। अरे बहुत पहुंची हुई चीजें ये लोग। हमने वैसे भी इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है तो क्या फर्क पड़ता है? पागल हो गए तुम लोग? हाँ मैंने पढ़ना है यहाँ पे। ले लिया ना जिंदगी भर का पंगा। इन्होंने ही शुरू किया था। ये तुम लोगों को लड़के होने की वजह से तुम्हें छोड़ देंगे। शाम में तो मेरी आनी है। सिचुएशन कुछ संभालिए। डैड हम सोच रहे थे कि कोई सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तुम में। अब सुनो, इनको पैसे दो और फारिग करो। ओके डैड। क्या हुआ? यार वो डैड कह रहे हैं कि इनको पैसों की ऑफर दे दो। पैसे क्यों भाई? यार वो रिपोर्टर अभी तक बाहर है, अभी तो सिर्फ एक है। सिचुएशन और बिगड़ गई तो शाम तक लाइन लग जाएगी रिपोर्टर्स की। मैं तो नहीं दे रहा पैसे, तुम लोग ही दो, मैं नहीं दे रहा। शट अप यार, अंकल ठीक कह रहे हैं। ऑल सच पीपल नीड इज मनी। तुम जाओ और कुछ पूछो। क्या पूछूं? आई डोंट नो, मतलब हाउ मच वुड दे टेक, मुझे नहीं पता। तुम जाओ। ओके। चाचा जी खोल भी दें। अब बेटा अभी नहीं खोल सकते। क्यों? बस बेटा सख्ती से ऊपर से ऑर्डर आया है। कब तक वेट करना पड़ेगा? कोई पता नहीं। ये ड्रामा क्या हो रहा? बाहर रिपोर्टर आए हैं, यूनिवर्सिटी वाले सब डरे हुए हैं। गेट खोलो, हम मीडिया वाले हैं। जा यार चले जा, खुदा का वास्ता तेन ऑर्डर नहीं है कि दरवाजा खोलन दे। पक्का मेरे को मानने आ रहे हैं आप लोग? प्लीज मेरे सामने रहो वरना मेरी मम्मी को बता देना। चुप तो कर जाओ, देखने तो दो। बता दो यार कितने लोग हैं? पैसे? चुप रहने के कितने पैसे लोगे? कुछ नहीं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या मतलब? Who do you think we are? हमें अपने जैसे समझा हुआ है? हम कोई घटिया लोग नहीं है तुम लोगों की तरह। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। शायद इस वर्ड का मतलब आपको भी नहीं पता। चलो जी,
ओह हेलो मिस, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम लोगों को पैसे चाहिए, तो फिर ये ड्रामा क्यों? इस मामले को यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। घटिया हरकतें और घटिया ही सोच है आप लोगों की। अच्छा तो ये मीडिया को बुलाना घटिया हरकत नहीं थी क्या? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं बुलाया था उनको। वो तो शायद आपकी पॉपुलर वीडियो देखने आए हैं। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों का क्या लेने देना है इस मामले से। हमारा झगड़ा तो इस कमीने के साथ था, तुम इसकी लॉयर्स बनके पता नहीं कहां से टपक पड़ी। बहुत अनमनसिंग टू सी। बात सही और गलत की है, और वैसे भी इट्स नॉट लाइक आप लोगों ने हमारे साथ कुछ किया ही नहीं। यू एक्टेड वेरी रूड यस्टरडे, और आप लोगों ने मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी भी की। बदतमीजी नहीं, वी एक्चुअली हेल्प्ड हर टू नो कि यहां पे एक कैफे भी एग्जिस्ट करता है। फॉरगेट इट यार, बस छोड़ दे अब उसको। ऑलराइट गाइस, लेट्स मेक इट सिंपल। जस्ट टेल मी व्हाट यू गाइस वांट। आप इनसे माफी मांगे। ए आर यू क्रेजी? और इंटरनेट से वो वीडियो भी हटा दें। जो भी हो जाए, मैं वो वीडियो नहीं हटाने वाला, बल्कि तुम लोग इस तमाशे की वीडियो बना के लगाऊंगा मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझी? फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। टमाटर 120 रुपए किलो? अल्लाह तौबा, इस घर में तो सब्जी बननी ही नहीं चाहिए, बहुत महंगी हो गई है। जिंदगी गुजरेगी आपकी हिसाब किताब में। हिसाब किताब नहीं, कफायत शारी। सब पता है मुझे। अच्छा वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है अहमद की? हाँ पता है मुझे। पता नहीं हानिया कब तक फारिग होगी। आपने कॉल की उसे? नहीं। अरे भाई उसको कॉल तो करें, किसी मसले में ना फंस गई हो। सीधी सादी बच्ची है, किसी मसले में नहीं फंसी होगी, कुछ नहीं हुआ होगा। और वो उसकी फीस? बताया तो था उसने उस दिन। तो आपने यूनिवर्सिटी कॉल करके पता किया? कह तो सही रही हो, अप्लाई तो किया उसने स्कॉलरशिप के लिए। अल्लाह करे उसे मिल जाए, आधो हाथ खर्चा हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कॉल करें। एक तो इस घर में सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है, और मैं एक बात बता दूं, आज इस घर में सब्जी ही बनेगी। ओए, बंद करो ये तमाशा। तुम लोगों को पता है आज यूनिवर्सिटी में फुल ऑन ड्रामा होने वाला है। क्यों भाई? को अभी तक नहीं पता, कहाँ रहते हो यार? वो स्टूडेंट नहीं था जो सुबह सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, वो लूजर था। वो इतना लूजर नहीं है जितना वो दिखता है। क्यों भाई, उसने क्या कर दिया? बाहर गेट पर मीडिया वाले खड़े हैं। यार सीरियसली इतना बड़ा मसला बन गया? अरे मसला बना क्या है, उसने खुद बुलाया होगा मीडिया को, पर ना इतनी सी बात पर न्यूज चैनल वाले क्यों आएंगे? शहर में न्यूज की कमी है क्या? इतनी सी बात नहीं है वैसे। एक स्टूडेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की है, एक मक्खी मरे तो मीडिया वाले आ जाते हैं कवर करने, ये तो फिर सुसाइड है। आई डोंट थिंक सो। मेरी बात मानो, उसी ने बुलाया, और वो दो लड़कियां थी ना साथ, उन्होंने उसकी हेल्प की है। यार वैसे बड़ी हिम्मत की बात है, इतनी बेइज्जती के बाद भी अभी तक वो दी रॉकर्स के सामने खड़ा हुआ। गाइस मैं तो कहती हूं कि हम लोग लाइव शो देखते हैं जाके। व्हाट से? मैं तो नहीं आ रहा। छोड़ो इसको, तुम चलो। इससे पहले कि डैड की मुझे दोबारा कॉल आए, वी हैव टू डिसाइड समथिंग। यार ये मसला तो खिंचता ही चला जा रहा है। एक एक से बदला लेंगे लूजर्स। बस किसी तरह से एडमिशन हो जाए इन लोगों का इस यूनिवर्सिटी में, फिर देखना मैं क्या करता हूँ इन लोगों के साथ। यार तुम माफी मांग लो इन सबसे और खत्म करो ये मसला। माफी? माफी तो मैंने कभी अपने बाप से नहीं मांगी। I
I think I know what we should do. देखें, please don't go crazy. इन लोगों ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी. आप मज़ीद बढ़ा रही हैं बात को. मुझे नहीं चाहिए इनकी माफी. हाँ यार, मतलब वो मामला खत्म करना चाह रहे, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं खत्म? हाँ, लेकिन वो अपने फिजूल पैसे वाले टर्म्स पे खत्म करना चाह रहे हैं ना. डोंट यू सी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. हम अपने टर्म्स उनसे मनवा सकते हैं. हाँ हनी, ठीक कह रही है. क्या तुम नहीं चाहते कि वो वीडियो तुम्हारी उतर जाए और वो तुमसे माफी मांगे? जरा सोचो, दी रॉकर्स तुमसे माफी मांग रहे हैं. मैं तो कहती, जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो वाह वाह मजे आ जाएंगे. Exactly. अब पहुंची हो ना तुम सही बात पर. डैड ने फिर मुझे सुनानी है. आई नो ही विल डू इट. कर ले यार, और कोई तरीका भी तो नहीं है इस मेस को समेटने का. हेलो डैड. बोलो, क्या सूरत हाल है? डैड वो पैसे नहीं चाहते. व्हाट? फिर क्या चाहते हैं? डैड, मैं सोच रहा था कि अगर आप उनको एडमिशन दे दें और स्कॉलरशिप फॉर्म भी चेक कर लें उनके, इफ यू कैन गेट देम स्कॉलरशिप तो. वाह ग्रेट. अब मैं बोर्ड मेंबर से कहूं कि 3 बच्चों के एडमिशन भी कराएं. डैड, इसके अलावा कुछ नजर भी तो नहीं आ रहा ना, प्लीज. तुम्हें और कुछ नजर क्या आता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ाने के अलावा. Anyways, I'll get it done. Okay, thank you. क्या कहा अंकल ने? We'll get it done. मगर उनसे पूछ तो लो, वो ये सब चाहते भी हैं नहीं. I don't understand, हम उनका भला क्यों चाहते हैं after what they have done with us यार. भला सिर्फ शॉर्ट टर्म है यार, खुश हो लेने दो. यूनिवर्सिटी में आएंगे ना तो लग पता जाएगा. गाइस, जो भी करना है जल्दी करो, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. देखो बहुत हो गया. We have to reach point. तो आप मांगे माफी? We have an offer. बस यूँ समझो कि तुम लोगों का एडमिशन और स्कॉलरशिप डन है. Please, 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 please. It's a golden offer. Yes, yes, yes. क्या? अभी तो तुम लोगों ने decide किया था कि हम इस university में नहीं पढ़ेंगे. Emotion सा moment था ना. अबे think big. तुम लोग थाली के बैंगन हो. Principals नाम की भी कोई चीज होती है. सिर्फ माफी से ही काम चलेगा बस. ये तो रिश्वत है. रिश्वत नहीं है यार. It's a fair and equal distribution. वो लोग इतनी पावर रखते हैं तो सानू की साढ़ा ते फायदा है ना. अभी इनकी अप्रोच जेनरस है, एक्सेप्ट कर लो. ऐसी ऑफर एक्सेप्ट करने का क्या फायदा जिसके बदले में अगले 4 साल हमको डर के रहना पड़े. फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मेरी सिफारिश भी तुम्हें नहीं बचाएगी. इनफैक्ट मैं खुद तुम लोगों को एक्सपेल कराऊंगा. ओ हेलो, मेरा नाम कुलसुम है. जी जी, मैं गाती भी हूँ. मैंने बड़ी परफॉर्मेंसेस की अपने कॉलेज में. मेरा बड़ा सीन था. मुझे खुदाफिस नहीं बोलोगे? गाइस, आज तो पार्टी बनती है वैसे, और उसके बाद प्लानिंग कि इनकी बैंड कैसे बजानी है. वेलकम टू द यूनिवर्सिटी. देखें,
आई एम सॉरी अबाउट दैट डे। आपने तो मुझे कहते सुना भी होगा कि मैं इस हक में बिल्कुल नहीं थी कि आप लोगों के खिलाफ कोई भी स्टेप लिया जाए। अब मंजिलें हम पा